सीजी न्यूज। मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं मसाला यू कांट मिस। अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए फैंस का क्रेजी होना तो लाजमी है, लेकिन जब क्रेज हद पार कर जाए तो मुसीबत बन जाता है। अगर आपको चॉइस दी जाए अपने फैमिली और अपने आइडल में से किसी एक को चुनने की, तो मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली को चुनेंगे। इनफैक्ट मैं भी अपनी फैमिली को ही चुनूंगी। लेकिन एक क्रेजी फैन ने अपनी फैमिली की जरूरतों से ऊपर अपने फेवरेट क्रिकेटर को रखा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, धोनी के एक क्रेजी फैन ने कुछ ऐसा ही किया है। बताएंगे आपको पूरा मामला इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिकेट फैन हैं और आपको क्रिकेट का भरपूर ज्ञान चाहिए, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंडियन प्रीमियर लीग का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में चेपॉक में खेला गया। और जब थाला किसी मैच का हिस्सा होते हैं तो उनके फैंस हद से ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। उन्हें देखने के लिए उनके फैंस सब कुछ भूल भी जाते हैं। हाल ही में धोनी के एक क्रेजी फैन ने क्लेम किया है कि उन्होंने माही को देखने के लिए अपनी डॉटर्स की स्कूल फीस नहीं पे की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीतने की खुशी बयान करता हुआ नजर आ रहा है। उस वीडियो में वो फैन ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी तीन डॉटर्स की फीस पे करना पोस्टपोन कर दिया उस मैच की टिकट खरीदने के लिए। उस मैच की टिकट उन्होंने 64,000 रुपए देकर ब्लैक में खरीदी थी। उस फैन ने यह भी बताया कि उनके लिए उस टाइम प्रायोरिटी उस मैच की टिकट खरीदना था इंस्टेड ऑफ पेइंग हिज डॉटर्स फीस। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान।